तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पहुँच चुके थे। हमने थोड़ा रेस्ट किया। अभी हम देख रहे हैं कि कहीं बाहर जाएं घूमने के लिए। मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। ये देखिए मेरा रूम। ये देखिए मैं बिल्कुल बहुत गुस्से में, बोले ठीक था। तो देखते हैं अभी बाहर जाके कि यहाँ पे लोकल चीज़ें थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बाहर। रेड फोर्ट के अंदर है, काफी घूम लिया है, फिर भी बच रहा है, काफी बड़ा है, थक भी गए हैं। स्पेशली मेरी बेटी, ये देखो दूध पी रही है, थक चुकी है, कार्टून देख रही है दूसरे मोबाइल में, वो ऐसे दूध नहीं पीती है। ये भी एक नई चीज़ है आजकल के बच्चों के लिए। तो हमने काफ़ी घूम लिया है, अभी और घूम रहे हैं, बट बहुत बड़ा है तो थक भी रहे हैं। चलो और घूमते हैं, देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं।
अभी भी हम रेड फोर्ट के अंदर हैं। काफ़ी बड़ा है, अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप यहाँ पूरा दिन गुजार सकते हैं ऐसा मैं कह सकता हूँ, जो मुझे अभी देख के लगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, लोग तो खींच रहे हैं, एक स्पॉट पे काफ़ी टाइम बिता रहे हैं, तो उस हिसाब से पूरा दिन आप बिता सकते हैं। अच्छा, और भी जगह घूमने तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जैसे कि हम भी कर रहे हैं। शाम का समय है तो मौसम काफ़ी अच्छा है, इस वजह से मैं यहाँ ज़्यादा टाइम रुक रहा हूँ और काफ़ी स्लोली विजिट कर रहे हैं बाकी जगहों को। जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो आपको काफ़ी धीरे धीरे ही करना होता है सारी चीज़ें, अकेले हैं तो आप जल्दी जल्दी तेज़ी से घूम सकते हैं, बट फैमिली के साथ वो सब पॉसिबल नहीं है, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। हम उसी गेट पे आ गए जहाँ से हमने एंट्री की थी, जल्दी कवर हो गया क्योंकि आगे बंद था। अब मुझे नहीं पता पहले से बंद रहता है या आज ही बंद है, बट वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और वो गेट बंद था, आगे किसी को जाने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए जल्दी कवर हो गया। तो हम बाहर आ गए जल्दी ख़त्म करके, तो थोड़ा यहाँ रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर बाहर की तरफ जाएंगे, देखते हैं फिर बाहर आगे क्या मिलता है देखने के लिए, या फिर मार्केट आते हैं। किसी ने मुझे कहा कि यहाँ के बाद आप सदर जाइए, वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और माहौल अच्छा रहता है, काफ़ी बाज़ार भी है, शॉपिंग भी कर सकते हैं, तो देखते हैं अगर वहाँ जाते हैं तो, या फिर नहीं भी जा सकते, देखते हैं, अभी प्लान नहीं, बाहर जाके देखते हैं क्या होता है। सेकेंड डे इन आगरा। सो अभी उठे हम लोग, फ्रेश हुए हैं और अब बाहर निकल रहे हैं, ताजमहल देखने का प्लान है वैसे। सुबह सोचे जल्दी चले जाएं तो जाके रश्ना मिले, और अभी जाके ब्रेकफास्ट भी करेंगे तो टाइम हो जाएगा। अभी आई थिंक 7:30 बज रहे हैं, तो टाइम से पहुंच जाएंगे हम, और देखते हैं आज दिन में आगरा एक्सप्लोर करते हैं। चलते हैं पहले ताजमहल की तरफ और उसके बाद देखेंगे और कहाँ घूम सकते हैं। ओके, तो चलते हैं ताजमहल। हाँ, ये बैटरी रिक्शा है, यहाँ से हम जा रहे हैं। बारिश हो गई हल्की, तो सुहाना मौसम अच्छा लग रहा है, घूमने में मज़ा आएगा। कुछ बारिश आती है तो शायद तकलीफ हो जाए, अगर वही बहुत बढ़िया मौसम। तो पहुंच गए ताजमहल, टिकट अब आगे यहाँ से जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक गए क्योंकि बारिश हो रही है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और थोड़ा सा तेज हो गई है, वेट कर रहे हैं अगर थोड़ी कम हो जाए तो जाते आगे। अभी मुझे पता चला टिकट के दाम यहाँ काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो आप लोग आए तो एक बार पता कर लें जरूर। अभी यहाँ पे दो टाइप के टिकट्स हो गए, एक है 250 जो पूरा अंदर बाहर सब जगह आप घूम सकते हैं, एक है 50 रुपीज़ जो आप आउटर में घूम के आ सकते हैं। तो मैंने 250 लिया है, तो फर्स्ट टाइम आया है इसलिए, अभी आगे देखते हैं कैसा है, क्या डिफरेंस है, उसके बाद आपको बताऊँ। चलते हैं अंदर थोड़ी देर। ये हम ताजमहल के अंदर घुस चुके हैं और ये मेन एंट्री द्वार है, इस तरफ वेस्ट गेट और इस तरफ आप देख सकते हैं ईस्ट गेट। ये इसके बैक साइड का है, इधर क्या है मुझे नहीं मालूम, हमने अभी इधर ईस्ट गेट से एंट्री ली है, अभी इधर जाएंगे। पर इसका गेट जो है काफ़ी अच्छा लगा हमें, तो इसलिए हमने थोड़ा सोचा थोड़ा आपको भी दिखा दें।
बाकी अंदर चलते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ से अभी हम चढ़ के आए ताजमहल की ओर। ये यहाँ पे है हमारा, क्या कहते हैं इसका नाम है, मेहमान खाना। शायद मेहमान वगैरह यहाँ पे ठहराते होंगे। ये लिखा है यहाँ पे मेहमान खाना। ओके, भैया 250 रुपये और पैरों में देखो क्या पहना दिया गया है कवर, ताकि गंदे ना हो। अब एंट्री करते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज। ओह वाव, इट्स गुड। हमारी बेटी आगे जा रही है। तो ये ताजमहल के हम अभी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे अभी हमने मकबरा देखा, मुमताज महल का। भीड़ कुछ खास नहीं है, ठीक है, पब्लिक है अभी। एक तो बारिश भी हो गई थी सुबह सुबह, तो हो सकता है उस वजह से कम हो गई हो। बाकी छुट्टी का दिन भी नहीं है, तो ये भी कह रहे थे लोग कि छुट्टी के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है वीकेंड्स पे, तो इसका फ़ायदा मिला है हमें। मैं पहले ही प्लान करके आया था कि वीकडेज में आएंगे, वीकेंड्स में नहीं आएंगे भीड़ से बचने के लिए। बाकी मौसम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बारिश हुई थी, तो उस वजह से अगर आप देखेंगे मेरे पीछे ये यमुना नदी है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ दूर मुझे दिख रहा है अपने आँखों से कि वहाँ पे लाल किला है, लेकिन कैमरे में शायद नहीं आ रहा है, थोड़ा मुश्किल है धूप की वजह से। कल हम वहाँ गए थे, वहाँ का वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। बाकी यही सब ठीक है। आज मैंने अभी किसी से सुना कि पहले बहुत ज़्यादा सफ़ेद हुआ करता था, एक गाइड एक्चुअली बता रहा था, और ये पॉल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा है, उस वजह से
काफी ब्लैक सा उसे लगने लग गया कि हमें पता नहीं, हमने तो पहली बार देखा है।